नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सोलासिड सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, सोलासिड सिरप को कैसे लेना चाहिए और सोलासिड सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि सोलासिड सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में सोलासिड सिरप को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। सोलासिड सिरप एक एंटासिड दवा है जो पेट में एसिड और गैस बनने की समस्या को कम करती है। सोलासिड सिरप का उपयोग पेट में गैस बनने पर, पेट में जलन होने पर, बदहजमी होने पर, खट्टी दकारे आने पर और सीने में जलन होने पर सोलासिड सिरप का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि सोलासिड सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सोलासिड सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में सोलासिड सिरप की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, कब्ज और दस्त की समस्या हो सकती है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर 16 से 10 मिलीलीटर सिरप को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं। जिन व्यक्तियों को रात के समय पेट में एसिड ज्यादा बनता है, ऐसे व्यक्तियों को डॉक्टर सोलासिड सिरप को केवल रात को सोते समय ही लेने की सलाह देते हैं। सोलासिड सिरप को खाना खाने के तुरंत बाद नहीं लेना चाहिए। सोलासिड सिरप को खाना खाने के 30 मिनट से लेकर 60 मिनट बाद लेना रिकमेंडेड होता है। सोलासिड सिरप की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको सोलासिड सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना सोलासिड सिरप को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि सोलासिड सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में सोलासिड सिरप को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। लगातार 2 सप्ताह से अधिक सोलासिड सिरप को लेना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए सोलासिड सिरप को लगातार 2 सप्ताह से अधिक डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। हार्ट फेलियर और किडनी फेलियर व्यक्तियों को सोलासिड सिरप को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है, इसलिए हार्ट फेलियर और किडनी फेलियर व्यक्तियों को सोलासिड सिरप को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को सोलासिड सिरप या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को सोलासिड सिरप का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। वैसे प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए सोलासिड सिरप का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ज्यादा जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सोलासिड सिरप को लेने की सलाह दे सकता है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सोलासिड सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सोलासिड सिरप को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सोलासिड सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।